field strength produced by a charge q at a distance of r from a charge q where there is present a test charge q not is defined as. तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है वो हमने क्या करना है, एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है और डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को उस फोर्स की टर्म्स में. तो स्टूडेंट बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज. यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वो चार्ज डिनोमिनेटर में नहीं आता, बल्कि डिनोमिनेटर में हमेशा टेस्ट चार्ज आता है. जिस टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाएं तो फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज जब एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अ सोर्स चार्ज जो कि स्टेटमेंट में क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस सोर्स चार्ज की फोर्स को डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज क्यू. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्यू से मेरी मुराद यहाँ पे सोर्स चार्ज है और क्यू नॉट से मेरी मुराद टेस्ट चार्ज है. तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज आएगा डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा और वो स्टेटमेंट में क्या है क्यू नॉट गिवन है. तो उसके पर्सपेक्टिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रिलेशन देखा जाए इस क्वेश्चन में तो वो मौजूद है चार्ली ऑप्शन में. सो क्वेश्चन 99 आंसर इज चार्ली.